राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस में राजस्थान को लेकर बड़ी तैयारियां हैं। इसी बीच राजस्थान पर फैसले की घड़ी भी आ गई है। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस को लेकर एक बड़ी और अहम बैठक होनी है, साथ ही इस बैठक में सचिन पायलट के सियासी भविष्य को लेकर भी फैसला होना है, तय माना जा रहा है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीतिक रूप से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे, साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी मौजूद रहने के संकेत हैं। सबसे अहम इस बात की भी चर्चा होगी कि आखिर पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट की विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी। पिछले दिनों हुई मुलाकात में सचिन पायलट ने सब कुछ राहुल गांधी पर छोड़ दिया था। राहुल गांधी ने सचिन को पूरा सम्मान दिए जाने का आश्वासन दिया था। ऐसे में सचिन पायलट को क्या कुछ जिम्मेदारी मिलती है, ये भी देखना अहम होगा। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष या चुनाव कमेटी का चेयरमैन दिया जा सकता है। वहीं इस बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी जाने की संभावना है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दोनों पैर के अंगूठों में फ्रैक्चर है, ऐसे में हो सकता है कि वो वीसी के जरिए बैठक से जुड़े। इस बैठक में पंजाब की प्रभारी रहे हरीश चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर डूडी, गुजरात की प्रभारी रहे रघु शर्मा और रघुवीर मीणा समेत कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के साथ तीनों सह प्रभारियों को भी बुलाया गया है। राजस्थान के लिहाज से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति का खाका तैयार किया जाएगा, तो वही संगठनात्मक और जमीनी स्तर पर कैसे खाके को अमलीजामा पहनाया जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी।